हेलो बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का तीसरा लेक्चर बनाने जा रहे हैं। जैसे मैंने अपने दो लेक्चर में बताया था कि हम आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, यानी इन द फॉर्म ऑफ जेड की इंटीग्रल की फॉर्म में हम क्या करेंगे, अपना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज वो न्यूमेरिकल आ गया और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूएट इंटीग्रल जीरो से टू प्लस आई, यानी जो लिमिट है जीरो से टू प्लस आई की फॉर्म में दे रखी है। और जेड मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। और उसके ऊपर क्या लिखा है, बार लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर डी जेड। अब इसमें क्या कहा, एलोंग, यानी जो ये फंक्शन है आपका, ये जो जेड है ये आपका एलोंग रियल एक्सिस लाई करता है। तो रियल एक्सिस की बात करें तो रियल एक्सिस हमने आपको बताई थी, रियल एक्सिस आपकी एक्स फॉर्म में ट्रेवल करती है। रियल एक्सिस आपकी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक्स फॉर्म में ट्रेवल करती है या एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है। जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से टू तक जा रही है, यानी आपको जो चलना है एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है और जीरो से टू की ओर जाना है। फिर उसने क्या कहा, एंड देन अलोंग ए लाइन, फिर एक लाइन और खींचती है आपकी, एक लाइन और चलती है जो क्या है, पैरेलल है, जो क्या है आपकी पैरेलल है, किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है। वो लाइन आपकी किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो जेड बराबर टू से चलती है और कहाँ तक जाती है, जेड बराबर टू प्लस आई तक जाती है। यानी ये लाइन आपकी कैसी है, वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी ग्राफ बनाते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले उसने क्या कहा, ये हमने क्या कह दिया, आपके पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस फॉर्म, वाई एक्सिस फॉर्म, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, जीरो जीरो यानी ओरिजिन हो। सबसे पहले उसने क्या कहा, आपको चलना है रियल एक्सिस के अलोंग चलना है, यानी जेड बराबर जीरो टू, जेड बराबर टू तक जाना है। तो यानी हम जीरो से चले और कहाँ तक गए, जेड बराबर टू तक गए। ये उसने हमको कह दिया कि जो आपको चलना है जेड बराबर जीरो से चलना है और कहाँ तक जाना है, जेड बराबर टू तक जाना है। ये हम गए इन द फॉर्म ऑफ अलोंग रियल एक्सिस। फिर उसने कहा उसके बाद, देन उसके बाद, फिर एक लाइन खींचेगी, एक लाइन चलेगी अलोंग टू द पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो क्या करेगी, पैरेलल पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, जेड बराबर टू से। तो कहाँ तक जाएगी, जेड बराबर टू प्लस आई तक जाएगी। तो हमने कहा यहाँ से एक लाइन चली ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है, जो कहाँ तक गई आपकी, जेड बराबर टू प्लस आई तक, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसको हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं ओ ए, ये पॉइंट हमने मान लिया बी की, यहाँ तक आपका एक लाइन ट्रेवल कर दिया। अब ये वाली वैल्यू आपकी सॉल्व होगी जो आपके इस फंक्शन में रखी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कितनी लाइन फॉर्म हो रही है, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस लाइन फॉर्म हो रही है, यानी एक लाइन हो रही है अलोंग वाई एक्सिस। तो दो लाइन आपके पास यहाँ पर हो गई, तो यानी जो इस लाइन, जो इसका ग्राफ का इंटीग्रल होगा वो दो लाइन के बेसिस पर होगा। तो देखते हैं क्या है, अभी हमने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में कि जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। पर अब हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, जेड बार है, यानी जेड बार का मतलब क्या है, यहाँ पे जेड कैसा है, माइनस, तो यानी इसका मतलब है कि एक्स माइनस आई वाई। तो जहाँ पर जेड बार होगा उसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स माइनस आई वाई, और जहाँ पर खाली जेड होगा उसको हम इसके फॉर्म लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म पर, हम इसको यहाँ पर लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। तो रखते हैं हमारे पास अपना न्यूमेरिकल क्या है, जेड बार का स्क्वायर डी जेड और लिमिट जीरो से टू प्लस आई, ये हमने उठा ली। अब जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये वाली एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर डी जेड ऐसा का ऐसा इंटीग्रल लिमिट जीरो से टू आई, ये आ गया। हमने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था कि जी डी जेड को यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। अब हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशियल करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो क्या होगा, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई, ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशियल। यहाँ पे ध्यान से सुने, जेड बार का स्क्वायर तो कैसे निकल जाएगा, माइनस की फॉर्म में, डी जेड है यानी जेड के ऊपर कोई बार नहीं है, तो जेड के ऊपर बार नहीं है तो वो एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसका डिफरेंशियल कितना होगा, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई हमारा होगा। अब हम इस डी जेड की जगह अपनी वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो गया, जीरो से टू प्लस आई एक्स माइनस आई वाई, डी जेड की जगह कितना हो गया, डी एक्स प्लस आई डी वाई, ये हमारा हो गया।
अब हमें क्या करना है, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि एक लाइन ये रही, एक लाइन, एक लाइन है आपकी अलोंग टू द एक्स एक्सिस, एक लाइन है आपकी अलोंग टू द वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर ओ ए, पहले सबसे पहले हम काट रहे हैं ओ से ए की ओर है, ये वाली वैल्यू आपकी ऐसे की ऐसी डी एक्स प्लस आई डी वाई, फिर प्लस कहाँ पे गए हम, ए से बी, ए से बी गए, क्या हो गया एक्स माइनस आई वाई डी एक्स प्लस आई डी वाई, यानी इसी चीज को हमने दो हिस्सों में ब्रेक करा, प्लस क्यों किया, अगर हम इमेजिन करें कि हम क्या चल रहे हैं, जीरो से चल रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है दिस प्लस दिस, तो इस वजह से हमने क्या करा टोटल डिस्टेंस की फॉर्म में इसको यहाँ पर प्लस कर दिया। अब बात करते हैं लिमिट क्या होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम कहाँ पे गए, ओ से ए पे गए, तो यानी यहाँ पर पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में चल रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यानी इस वाई लाइन में आपका वाई का कोई भी काम नहीं है, यानी वाई के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, ठीक है। यानी वाई की वैल्यू कितनी होगी इस पूरी इक्वेशन में आपकी, कितनी होगी जीरो होगी, तो जिसको हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे ओ ए अलोंग, ऐसे लिखेंगे अलोंग ओ ए वाई बराबर कितना होगा जीरो, क्योंकि हम अलोंग टू द एक्स एक्सिस चल रहे हैं तो वाई के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो अलोंग ओ ए वाई बराबर कितना होगा जीरो, तो इसका डिफरेंशियल भी कितना होगा डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं अलोंग ए बी, अलोंग ए बी में हम कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं टू से जेड प्लस टू आई की फॉर्म में जा रहे हैं, जेड प्लस टू की आई की फॉर्म में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं क्या होगा, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे टू कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, और इस पर कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे आपके टू कॉमा आई, टू कॉमा आई, आई का मतलब क्या है इस वाली चीज़ को जेड बराबर टू प्लस आई को हम किससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई टू हो गई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास वन हो गई, यानी पॉइंट कितने हो गए आपके पास टू कॉमा वन हो गया, आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक। और जब हम अलोंग वाई एक्सिस जाते हैं, जब हम अलोंग वाई एक्सिस जाते हैं तो उसमें पॉइंट्स कितने होते हैं, यहाँ पर हमें उसको क्या करना है फाइंड करना है कि जब हम अलोंग वाई एक्सिस जाएंगे, अलोंग वाई एक्सिस जाएंगे तो इसके लिए फॉर्म कितना होगा, तो आप लोग पढ़ के आए हैं दो ग्राफ पढ़ के आए हैं, अगर कोई लाइन या कोई ग्राफ पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है तो किसके बराबर होता है एक्स बराबर ए के बराबर होता है, एक्स बराबर ए, अगर कोई ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है तो वो ग्राफ किसके बराबर होता है वाई बराबर बी के बराबर होता है। मैंने कहा था अगर कोई ग्राफ आपका पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स बराबर ए, और हमने कहा अगर कोई ग्राफ आपका पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है वाई बराबर बी, तो ये वाली इक्वेशन किसके बराबर है पैरेलल है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी इस वाई लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी एक्स बराबर ए बनेगी। अब ए क्या होगा, कहाँ से ग्राफ चला आपका, कहाँ से पॉइंट चला टू से चला, तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास टू, तो यानी एक्स बराबर टू ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अलोंग ए बी एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, अलोंग ए बी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास टू, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी कंडीशन यहाँ पर आ गई, आई होप ये समझ में आया, ठीक है। दोबारा समझे, हमने क्या कहा इस इक्वेशन को, इस लाइन को दो हिस्सों में ब्रेक किया ओ ए और ए बी, जब हम ओ ए से जाते हैं तो वाई के कोऑर्डिनेट्स नहीं आते, तो यानी वाई डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास जीरो हो गई, तो अलोंग ओ ए में वाई हमारे पास कितना मिला जीरो मिला, जिसमें डी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया डिफरेंशियल उसका जीरो हो गया। अब हम अलोंग ए बी जाते हैं, तो अलोंग ए बी में जब हम ग्राफ पढ़ते हैं, अलोंग ए बी में जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो जब ये वाई लाइन पैरेलल होती है वाई एक्सिस के तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है वाई बराबर ए, और जब हम अलोंग एक्सिस पैरेलल जाते हैं तो ये वाली इक्वेशन बनती है वाई बराबर बी के इक्वेशन बनती है। इसी इक्वेशन से हमने क्या करा इस लाइन की एक वैल्यू निकाली कि इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुई यानी लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई टू से स्टार्ट हुई, तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई टू हो गई, आई होप आपको समझ में आ गई। अब हमने क्या करा उसका डिफरेंशियल करा तो कितना आ गया जीरो आ गया, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, अब इसको फिर हम आगे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इन वैल्यू को हम पुट करेंगे इन
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आ गया आपके पास इंटीग्रल ओ ए की लिमिट कितनी होगी, जीरो से स्टार्ट चली और टू तक, क्योंकि ओ ए कैसे जा रही है आपकी अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है, तो अलोंग एक्स एक्सिस में क्या होगा जीरो से टू, तो जीरो से टू एक्स की वैल्यू एज इट इज माइनस आई एज इट इज, वाई की वैल्यू कितनी है वाई में जीरो, तो ये हो गया जीरो डी एक्स एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, ये वाला स्क्वायर डी वाई कितना हो गया इस वाले में जीरो, तो ये प्लस जीरो हो गया प्लस। अब हम जा रहे हैं ए बी में, तो ए बी में जाने के लिए ये वाली लाइन कैसी है आपकी एक्स बराबर टू, तो यानी एक्स के लिए कितने पॉइंट रखेंगे हम टू रखेंगे, एक्स के लिए कितना पॉइंट टू माइनस आई ऐसा का ऐसा वाई ऐसा का ऐसा, क्योंकि जो एक्सिस जो ग्राफ चला वो वाई एक्सिस के पैरेलल चला, ये आ गया। अब डी एक्स कितना है उसके लिए जीरो और आई डी वाई आपका ऐसा का ऐसा। अब लिमिट कितनी होगी, लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हैं टू कॉमा जीरो और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हैं टू कॉमा वन, तो इसकी लिमिट कितनी होगी जीरो से वन इन द फॉर्म ऑफ वाई या अलोंग टू द वाई एक्सिस, ये आ गया आपका इसका इंटीग्रल। अब हम इसे क्या करना है सोल्व करना, तो सोल्व करते हैं इसका इंटीग्रल कितना होगा देखते हैं, तो करो इसका इंटीग्रल करो तो कितना हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल जीरो से टू प्लस इसको कितना हो गया टू माइनस आई डी वाई और यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर भी होगा इंटीग्रल जीरो से वन, क्या बच गया आई डी वाई बच गया। अब इस आई को हम क्या ले लें बाहर ले लें, तो प्लस आई ऐसा का ऐसा इंटीग्रल जीरो से वन टू माइनस आई वाई और डी वाई इंटीग्रल जीरो से टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें क्या करना है इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है यहाँ पर स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल कितना हो गया एक्स की थ्री अपॉन थ्री लिमिट जीरो से टू प्लस आई एज इट इज, इसमें क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो पहले इसका फॉर्मूला खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया फोर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर आई वाई, ये हो गया इंटीग्रल। अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने क्या करा फॉर्मूला ओपन किया डी वाई ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करें इसका इंटीग्रल करें, तो इंटीग्रल करने पर हमें कितना मिलेगा ये तो ऐसा का ऐसा प्लस इसका इंटीग्रल करते हैं तो कितना हो गया आई एज इट इज फोर का कॉन्स्टेंट का एक्स होता है, पर यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वाई आ जाएगा प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू हमने फर्स्ट वीडियो बताई थी या फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कितना होता है आई स्क्वायर हमेशा माइनस वन, तो इस आई स्क्वायर की जगह माइनस रख देंगे तो प्लस माइनस माइनस और वाई का कितना हो जाएगा वाई की थ्री अपॉन थ्री प्लस माइनस है फोर आई एज इट इज वाई का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन। अब लिमिट जीरो से वन, लिमिट कितनी हो गई जीरो से वन हो गई। अब वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी हो गई थ्री का क्यूब अपॉन थ्री माइनस लोअर लिमिट जीरो रखी तो जीरो आ गया प्लस आई एज इट इज अपर लिमिट रखते हैं फोर वन वाई की जगह वन रखा उसका थ्री का अपॉन थ्री माइनस फोर आई एज इट इज वाई की जगह वन का स्क्वायर अपॉन टू ये आ गया। अब इसको सोल्व करा कितना हो गया ट्वेंटी सेवन अपॉन थ्री प्लस आई एज इट इज इसको सोल्व करा था कितना हो गया फोर माइनस के वन बाय थ्री माइनस के फोर आई अपॉन टू, इस टू इससे कट गया फोर से टू कट गया क्या बच गया आपके पास ट्वेंटी सेवन अपॉन थ्री प्लस आई, इसको सोल्व करो एलसीएम ले लो इसका कितना हो गया आपके पास ट्वेल्व माइनस वन माइनस सिक्स अपॉन थ्री ये हो गया और यहाँ पर आई, तो आंसर कितना आ गया आपके पास ट्वेंटी सेवन से डिवाइड करें तो कितना आ गया नाइन प्लस आई एज इट इज वन अपॉन थ्री बाहर ले लिया कितना बच गया इलेवन माइनस सिक्स आई ये वाला इसका आंसर। तो इस पूरे न्यूमेरिकल जो जो मेरा आंसर आया वो कितना आया नाइन प्लस आई वन बाय थ्री इलेवन माइनस सिक्स आई। आई होप आपको अब जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के कुछ न्यूमेरिकल समझ में आए, आने वाली वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, जितने आप क्या करें इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।